तो दोस्तों, मैं इसका सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आए. आई जस्ट वुड लाइक टू एलैबोरेट ऑन दिस आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ रिदमिक मूवमेंट विद अ मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट. तो आज मैंने एक दूसरा सॉन्ग लिया है, तो देखते हैं. तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, ये हैं वोकल्स, ये है वोकल्स की ही मेलोडी ऑन द पियानो, और ये हैं कॉर्ड्स. तो इसका थोड़ा सा सुन लेते हैं, है ना. जाने कैसे यूं बातों ही बातों में आ गए हम यहाँ, कह गए जो तुम आंखों ही आंखों में, हाँ वो मैंने सुन लिया. तो ये है हमारे वोकल्स, मेन मेलोडी और कॉर्ड्स. यहाँ कहीं कहीं मैंने पासिंग कॉर्ड्स लगाए हैं. मैंने सोचा, यू नो, आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड सम थिंग्स. पिछली बार हमने देखा था कि हमने सिर्फ कॉर्ड के स्टैब्स यूज़ किए हैं, बट नाउ मैं इसलिए एलेबोरेट कर रहा हूँ बिकॉज वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिसिप्लिन. नाउ आई वुड लाइक टू यूज मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, मल्टीपल मूवमेंट टू क्रिएट दैट एंटायर बॉडी ऑफ मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो देखते हैं. हाँ, जाने कैसे यूं बातों ही बातों में आ गए हम यहाँ, कह गए जो तुम आंखों ही आंखों में, हाँ वो मैंने सुन लिया. तो ये थे हमारे कॉर्ड स्टैब्स. एंड अब हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं, अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम कॉर्ड स्टैब्स ही यूज कर रहे हैं, बट वी आर फिलिंग द गैप्स हियर. सो लेट्स हियर इट. इसके लिए मैंने अकॉर्डियन यूज किया है. पॉसिबली मैं आगे जाके कुछ दूसरे कॉर्ड यूज करूँ. सुनते हैं ये. जाने कैसे यू बातों ही बातों में आ गए हम यहाँ. तो अब मैंने कॉर्ड स्टैब्स यूज किए हैं ऑन द अकॉर्डियन, और मैंने ये कोशिश की है कि पियानो कॉर्ड जहाँ बज रहे हैं ये वो वहाँ ना बजे. तो इस वजह से यहाँ मैंने आई ट्राइड टू फिल दीज गैप्स. तो ये थे हमारे कॉर्ड स्टैब्स ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और उसका आइडिया ये है दैट दे शुड फिल ईच अदर्स गैप्स. थर्ड स्टेप इज नॉट अबाउट कॉर्ड्स बट द नोट्स दैट वी वॉन्ट टू ऐड, और फिर ये सब मिला के इन इट्स एंटायरिटी इट विल बिकम मोर आर्टिकुलेट. और इसका मेन मोटिव ये है दैट विदाउट द रिदम लिसनर को ये फील हो कि उसे गाने के साथ जुड़ना कैसे है. सो आप ड्रम या रिदम सेक्शन के कोई भी चीज ऐड करें, उसके बगैर ही लिसनर को समझ में आ जाए कि उसको जुड़ना कैसे है सॉन्ग के साथ. तो मैंने थर्ड चीज ऐड की है, सुनते हैं. जाने कैसे यू बातों ही बातों में आ गए हम यहाँ, कह गए जो तुम आंखों ही आंखों में, हाँ वो मैंने सुन लिया. भीगी भीगी सी रातें बहका बहका सा समां, ऐसे डूबे हम साथ में हो गए हलापटाओ. तो आपने देखा कि आप जब ये सुनेंगे तो अपने आप ही नेचुरली जो लिसनर है उसको समझ में आ जाएगा कि उससे झूमना कैसे है, यू नो. तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने कुछ ड्रम्स का एक लूप ऐड किया है. तो अब किट के साथ सुनते हैं. ये है मेरा ड्रम किट, मैं जरा सा मैंने कुछ ऐड किया है, सुनते हैं. हाँ वो मैंने सुन लिया. भीगी भीगी सी रातें बहका बहका सा समां, ऐसे डूबे हम साथ में हो गए हलापटाओ. तो आज हमने देखा इन मोर डिटेल्स कि एक सॉन्ग का प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे करें. तो सबसे पहले है मेलोडी. हम मेलोडी बना लें, या अगर रीमेक कर रहे हैं या रीमिक्स कर रहे हैं तो उसकी एक मेलोडी पियानो पे उतार दें. सेकेंड स्टेप कॉर्ड्स, कॉर्ड्स फाइंड आउट करें. एंड देन थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग अ रिदमिक मूवमेंट विद अ मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट. जब ये हो जाए तब आगे बढ़े. तो उसके बाद फिर मैंने एक ड्रम किट ऐड कर दिया, एक लूप ऐड कर दिया है, जस्ट फॉर अस टू सी कि हाँ रिदम के साथ कैसा लग रहा है. बट जैसे ही हमने रिदमिक मूवमेंट क्रिएट किया कॉर्ड्स, पियानो कॉर्ड से, अकॉर्डियन से और पिज्जिकाटो नोट्स से, सडनली हमें वो फील आ गया कि हमें गाने के साथ झूमना कैसे. सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्प किया होगा. आप कभी ये प्रोडक्शन शुरू करें अपना अगला सॉन्ग तो ये प्रोसेस फॉलो करें. एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रोसेस बहुत हेल्प करेगा. ऐसे ही हेल्पफुल म्यूज़िकल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुंबई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट का पेज और यूट्यूब चैनल ज़रूर फॉलो करें. थैंक यू सो मच.